गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेचा व्लॉग्स। खुशी देख रहे हो इस चेहरे पे, अगर इसके रीजन पता चल गया है ना तो अभी वीडियो स्टॉप करके कमेंट करके बताओ, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। भाई 3 हफ्तों से आलू पूरी नहीं खाई थी और आज फाइनली जा रहा हूँ। देख रहे हो खुशी के मारे ऐसे जुबान लड़खड़ा रही है। भाई 3 हफ्ते बाद आज फाइनली आलू पूरी खाने जा रहा हूँ। 2 प्लेट खा जाऊंगा 2 प्लेट। 3 भी खा सकता हूँ बट 2 तो कंफर्म खाऊंगा। और ये देखो क्या कर रही है, अरे मोटो कैसी नींद में है भाई। रोज वो मेरे को उठाती है, आज मैंने उसको उठाया, बोला उठ जा भाई, 9 बज गए। चलो वीकेंड के मजे किसी को हो ना हो, अगर जयपुर में आया हो भूकंप या हुआ हो अहमदाबाद में एक्सीडेंट, लेकिन रुचा करेगी वीकेंड पे चिल, और वो भी नेटफ्लिक्स के बिना। देख रहे हो, कमेंट कर दो अगर ये अच्छा लगा है तो। बाकी चलो मिलते हैं आपको सीधा आलू पूरी पे। ये देखो बारिश गिर रही है, हमको आलू पूरी खाने जाना है, तो प्रेरक ने उसका रास्ता निकाल लिया, बोल रहे चल बड़ी धन्नो लेके चले जाते हैं हम लोग आलू पूरी खाने के लिए। तो अभी तो 9 बज रहे, फिर बड़ी धन्नो वहाँ पे रखेंगे कहाँ पे, वहाँ पे पार्किंग ही नहीं। मैं उसको कब से बोल रही हूँ कि प्रेरक वहाँ पे पार्किंग नहीं है, और बहुत ज़ोरों की बारिश आ रही है। देखो मतलब मैं गीली हो रही हूँ यहाँ पे खड़ी खड़ी, मतलब आप सोच लो इस ऐसे भीगते भीगते तो नहीं जा सकते 2 व्हील पे, वरना मैं तो घर पे आ जाऊँगी, फिर प्रेरक को ऑफिस जाना होता तो वो फिर गीला गीला जाएगा तो फिर वो बीमार पड़ेगा। तो ये उसने धन्नो निकाली है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश आ रही है, और फाइनली आज प्रेरक 3 वीक के बाद ये वाली आलू पूरी देख रहा है। उसका नसीब आज खराब होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, आज उसके नसीब में आलू पूरी थी। तो हम लोग जा रहे हैं, और क्राउड भी इतना ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा ही क्राउड है, तो चलेगा, चले जाएंगे अंदर। बस 1-2 लोग ही है आगे, बाकी अपनी ही टर्न है। वो एक शादी ऑर्डर के लिए, तो शादी आ गई है, बाकी कटलेस वाले तो बन रही है, प्रेरक उसके इंतज़ार में कि कब आएगी कटलेस। आ गई, अभी आ जाएगी प्रेरक, आज मतलब टूट पड़ने वाला है आलू पूरी के ऊपर। ये आ गई अपनी सादी आलू पूरी, ये वाली आ गई चीज़ कटलेस आलू पूरी, और ये आ गई कटलेस आलू पूरी। और प्रेरक बोल रहा है व्लॉग लेना बंद कर, मेरे को खाने दे। चल खा ले। बताओ प्रेरक कैसा फील हो रहा है? कैसा क्या, मैंने पहली बार थोड़ी खाई है, मतलब इतने महीनों बाद टू बजना चालू हो जाता है। हाँ तो वो जरूरी है ना। बता आज देखो सेटिस्फेक्शन हो गया होगा ना, सेटिस्फेक्शन बोली मैं, सेटिस्फाई हो गया पूरा। अभी कितने साल नहीं खाएगा? अगले सैटरडे तक। बाकी देखो हम लोग बड़े धन्नो लेके आए ना, तो ये बारिश कम सी हो गई है। कम क्या, बंदी हो गई? नहीं थोड़ी थोड़ी हो रही है। एक एक उसको बारिश नहीं बोलते, उसको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। मेरे को सिखाएगा तो और किसको सिखाओ, अनपढ़ तू ही है बेचारे। आज तो पूरे 15 दिनों बाद प्रेरक और मैंने, हम दोनों ने आलू पूरी खाई। आप लोगों ने थोड़े बहुत सीन देखे कि बारिश हो रही थी, हम लोग बड़ी धन्नो लेके गए थे तो ऐसा सब हो गया था। तभी मैं घर आई हूँ, और आज कामवाली दीदी फिर से छुट्टी पे है, तो आज फिर से घर पूरा साफ कर देंगे और क्या ही करेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ अभी लंच होने के बाद, मैंने बोला था वैसा, लंच करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो लंच कर लिया है, आ गई ऊपर, और कल मैं पोहे लेने के लिए गई थी लेकिन पोहे का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, क्योंकि हम लोग कल कुंभड़िया भजिया खाने के लिए गए थे। तो मैंने मम्मी को आज बोला कि मम्मी शाम को आज घर पे पोहे ही बनेंगे, क्योंकि मैं कल लेके आई। मम्मी बोल रहे हैं ठीक है चलो आज शाम को पोहे बनाएंगे, और आज तो सैटरडे है, मतलब आज लेट नाइट सीरीज देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मजा आएगा आज तो। टाइम चेक कर लो, 3 बज रहे हैं। मैं बोर हो रही थी तो मैं कंप्यूटर के साथ लूडो खेल रही हूँ, लेकिन यार आधे घंटे से मेरे एक एक पड़ी नहीं रहे, दो अंदर बाहर है मेरी दो अंदर चली गई है। लेकिन यार लगता है कंप्यूटर भी मेरे को आज हरा देगा, हर बार प्रेरक तो हराता ही है, आज कंप्यूटर से भी हार जाऊंगी लगता है। देख लो यार, यू लॉस्ट, मैं हार गई यार कंप्यूटर के साथ भी। कंप्यूटर तो जीतने देता यार मेरे को, तो मेरे को खुशी होती कि हर बार प्रेरक हराता है, इस बार मैंने किसी को तो हराया। अभी क्या करें, अपने पास 2 घंटे हैं, अपने सो जाएंगे, 5 बजे बाहर जाना है,
5:30 बज गए, मैं 4:45 का अलार्म रख के सो गई थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं उठ पाई। अभी उठी हूँ, चलो बॉटल लेके चल पड़ते हैं, अपने को जहाँ जाना है वहाँ। बाकी आज तो शाम को पोहे खाने हैं। तो आप लोगों को बैकग्राउंड देख के पता चल ही गया होगा, तो मैं जो 2-3 वीक से आ रही हूँ रोज शाम को कहीं पे 1.5-2-3 घंटे, तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ। आप लोग बोला थे रुचि दीदी आपकी बॉडी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, तो यस मैं जिम आ रही हूँ। हाँ तो आज मैंने सस्पेंस खोल दिया इस वीकेंड पर, तो मैं रेगुलर जिम आती हूँ 5, 5:30, 6 बजे। ये अपर केस है जिम का, नीचे का दूसरा ही, नीचे लेग्स और वगैरह सब है तो वहाँ पे नीचे का है, तो मैं ये आती हूँ। कमेंट करके बताना क्या थोड़ा थोड़ा फर्क सा लग रहा है। मैंने 3 केजी मैंने लॉस किया है बॉडी मेरा, 3 किलो मेरा कम हुआ है। तो लो जी मैंने आज सस्पेंस खोल दिया। बाकी बहुत सारे लोगों ने सही गेस किया था कि रुचि दीदी आप जिम जाते हो, शाम को जिम जाते हो, तो यस मैं जिम आती हूँ मेरी बॉटल के साथ, मेरे शूज़ के साथ और ये नैपकिन के साथ। मेरे को सस्पेंस देखा था, मैंने सोचा कि थोड़ी बॉडी शेप में देना, उसके बाद आप सबको बताऊंगी, लेकिन आज मैंने सोचा चलो आज जिम में कोई है भी नहीं तो आप सबको बता दूं। और जिम में क्यों नहीं है कोई, क्योंकि बारिश आ रही है और अपने रेगुलर 3 वीक से बारिश हो चाहे जो भी हो जिम आते ही आते हैं। तो चलो आज तो मुझे लेग्स मारने हैं, लेग्स तो लेग्स करेंगे, बाकी जिम में फ़ोन अलाउ है नहीं, आज सर नहीं है इसीलिए मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आज तो लेग्स मारने, तो लेग्स मारेंगे, बाकी आज सैटरडे इसलिए लेग्स मारने ताकि संडे को लेग्स को आराम मिल जाए। लेट्स डू, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और डरना है मना। मैं आ गई हूँ जिम से घर और ये रेड वाला बैग प्रेरक का है, जो प्रेरक रेगुलर जिम जाता था तब वो यूज़ करता था, अभी तो सिर्फ मैं ही जा रही हूँ, प्रेरक नहीं जा रहा क्योंकि उसका तो ऐसे ही रेगुलर ऑफिस चालू था, ऐसे ही उसका बॉडी लूज हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है इसीलिए मेरे को जाना पड़ा। आप लोग इसको जाने देते, आप लोग बहुत कहते थे रुचि दीदी आप बहुत ही मोटे हो गए, आप क्यूट लग रहे हो लेकिन थोड़ी सी बॉडी कम कर दो, तो मैंने बोला चलो यार कर लेते अपनी बॉडी के लिए, इतना तो करेंगे। अभी घर आई हूँ, लेग्स किए आज, तो ऊपर चढ़ने में मेरे को 15-20 मिनट लगने वाले हैं सच में। नहा धो के फ्रेशन अप हो गई, रोज शाम को मैं जिम से आती हूँ इसीलिए मैं फ्रेशन अप होती हूँ, कोई मेरे को बाहर की पॉल्यूशन वगैरह नहीं अब मेरे को साइड इफेक्ट कर रहा है, बस आप लोगों को बताना नहीं था इसीलिए मैं नहीं बताती, लेकिन सच्ची में जिम से आती हूँ इसीलिए मैं फ्रेशन अप होती हूँ। अभी नीचे चलते हैं, प्रेरक सर आते हैं तब पोहे खाते हैं, उसके बाद रूम में आते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि प्रेरक सर आज 8:30-9 बजे आएंगे, उनका फ़ोन आया कि थोड़ा लेट होएगा मुझे, तो मेरे को तो बहुत भूख लगी है, लेकिन प्रेरक सर आएंगे उसके बाद ही मैं खाऊंगी, तो कोई नहीं नीचे जाके पोहे तो बनाए फिर चाय बनाते हैं, प्रेरक सर आते हैं तब उसके बाद पोहे एंड चाय खा के पी के ऊपर आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आ गए रूम में, डिनर विनर सब कंप्लीट कर दिया, देखो नहीं कुछ नहीं दिख रहा है, वो सबको दिख रहा है उतना उतना, तो जिम नहीं करते उसको भी दिख रहा है, बाकी डिस्ट्रॉय सेकंड कर देता है तू, तो ठग लाइफ है ना अपनी, मोटिवेट कर मेरे को कि नहीं कम हुई तेरी बॉडी, ये हुआ जो लाइन पड़ रही है, जो लाइन पड़ रही है। बाकी भाई आज पता एक दो वीडियो भाई देख के यहाँ पे मैं चला दूंगा, पहला वीडियो जो होगा ना वो है अपना गिरनार का वीडियो है भाई, 3 घंटे में 16 इंच बारिश, मतलब पूरी बाढ़ जैसी आ गई, वो एक वीडियो तो मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता यूट्यूब पे, जिसमें सब भैंस गाय वो सब जो भी होता है अपने पशु वो सब वो पूरे ऐसे बह के जा रहे हैं, लोगों की कितनी गाड़ियां जा रही है उसके भी एक दो फोटोज यहाँ पे डाल दूंगा कि जब पानी उतर गया उसके बाद गाड़ियों की हालत कैसी थी। और दूसरा वीडियो जो अभी आप देख रहे होंगे वो वीडियो है वलसाड़ नवसारी का, जिसमें इतनी बारिश हुई है कि बारिश के पानी की वजह से कोई तो अपने जो गैस सिलेंडर होता है सिलेंडर उसकी कुछ फैक्ट्री या तो गोडाउन टाइप कुछ होगा तो उसमें पूरा पानी भर गया और पूरी दीवार टूट जाती है, तो उसमें से सब वो गैस सिलेंडर बाहर ऐसे बह रहे हैं, वो तो रिस्की होता है ना, डेंजरस होता है ना, रिस्की मतलब तो छोड़ो भाई वो सब तो जो जाना होगा जो एसेट से नहीं, वो तो अंदर गैस तो है कोई तो नहीं, बट यार सच में बहुत ऐसे भयानक सा हो रहा है। मैंने 2-3 व्लॉग्स पहले के व्लॉग में ही बोला था कि जो अंबालाल पटेल है उन्होंने समय से आगाही की हुई है कि भाई ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है और भयंकर बारिश होने वाली है, तो प्लीज भाई स्टे सेफ, जो जहां पे है
वहां पे बस सेफली रहो। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि भाई बाहर मत निकलो, क्योंकि भाई देखो हाँ। सबके अपने अपने काम हम होते हैं, भी निकलते सबको तो आप सबके काम भी के लिए बाहर तो निकलना पड़ता है। बट भाई अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से जितना हो सकता है उतना आप सेफ रहो, बस यही बोल सकते हैं। और तो क्या बोल सकते हैं, दो चार दिन से बस यही देख रहे हैं पूरा, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। और एक दूसरी सेकंड चीज जो हुई है वो अभी बहुत शेमफुल चीज है पूरे इंडिया के लिए, जो अभी अपने मणिपुर में हुआ हाँ। वो, और सब और ज्यादा गुस्सा इसके लिए मेरे को भी आ रहा है और आना ही चाहिए आप लोगों को भी, अगर वो चीज पता हो तो, कि वो चीज जो वहां पे हुई अपने दो लड़कियों के साथ, वो सबको पता चल रही है सोशल मीडिया के थ्रू। भाई तो वहां पे जब इतनी सारी न्यूज चैनल्स है, पूरी चीज हो रही है, लोग मार्च निकाल रहे हैं, लोग परेड निकाल रहे हैं, तब तक अपने न्यूज चैनल वाले कहाँ थे? वैसे तो ऐसे आ जाते हैं न्यूज चैनल वाले ये करने वो करने, वहाँ पे कहाँ जाते उस टाइम पे? वो लोग क्यों वहाँ पे नहीं थे? क्योंकि देखो भाई इन द एंड मैं सच ये एक फैक्ट बात बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी न्यूज चैनल वाला हो, भले कितनी ही अच्छी न्यूज कवर करता हो या टाइम पे न्यूज कवर करता हो या कितना भी सच बता रहा हो, एंड इन दी एंड उसको चाहिए टीआरपी। Exactly. और इस टाइम पे ये न्यूज से ज्यादा टीआरपी सबको किसमें मिल रही है? सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से आई है अपने चार बच्चे लेके। अगर आप लोग कंटिन्यू न्यूज फॉलो करते होंगे या कोई भी न्यूज आर्टिकल पेज फॉलो करते हो या कंटिन्यू न्यूज चैनल देखते होंगे तो आपको पता होगी ये चीज। तो भाई ये जो अभी थोड़ी बहुत सब चीजें वो एक साथ हो गई है तो ऐसा थोड़ा सा मूड अपसेट हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता कहीं है पे, अच्छी न्यूज मिलनी नहीं क्या, रही हो क्या रहा है, एकदम से सब बुरा होने लगता है, एकदम से ऐसा कुछ होने लगता है। बाकी अगर आपको ये वाले टॉपिक के ऊपर एक पूरी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना, तो मैं और रुचा दोनों मिलके हम लोग पूरी वीडियो बना देंगे विथ सब डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आर्टिकल वार्टिकल्स होंगे ना उसके साथ पूरी एक वीडियो बना देंगे, तो आपको थोड़ी और नॉलेज मिल जाएगी जिसको नॉलेज नहीं है उसको। बाकी चलो कोई नहीं, आज का ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, bye bye guys, good night, take care, love you all.